सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ किसान को और पास ही आए बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दौड़ने लग गया। सभी लोग अच्छे होंगे, मैं अर्जुन धाकड़ और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल धाकड़ किसान। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग देसी जुगाड़ के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि खेत में खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं एक ऐसे देसी जुगाड़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसे बहुत ही कम खर्चे में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार वीडियो पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल धाकड़ किसान को। तो दोस्तों, मैं आपको देसी जुगाड़ के बारे में बताता हूँ कि कितना अच्छा है और किस प्रकार से चलता है, कितना खर्चा आता है, कितने जने निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, ये मेरे खेत की जो मूंगफली जिसे ग्राउंडनट बोलते हैं, ये फसल है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और जो ये लमसम 12 से 15 दिन की हो गई है। और देखिए, हमने जो अभी पास में जो जुगाड़ चल रहा है उसे हमने एक दो बार इसमें निराई गुड़ाई भी कर ली है, जिससे जो चारा होता है, खरपतवार होता है, वो अच्छी तरीके से नष्ट हो गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छे पूरे खेत में जो जुगाड़ से हमने खरपतवार को नष्ट कर दिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए मूंगफली की ग्रोथ हो रही है। बाकी इसमें जो अभी बारिश आई थी 4-5 दिन पहले, उससे थोड़ी अच्छी ग्रोथ बनी है और अगर एक आध बार और अभी आ जाए तो बहुत ही अच्छी चलेगी। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये जो जुगाड़ है उसके बारे में कैसे बनता है, क्या है वो जुगाड़ के बारे में पूरी। तो दोस्तों, किसान भाइयों, ये जुगाड़, ये देखिए, ये जो बाइक है, ये देखिए यामा क्रक्स की बाइक है और इस पर आराम से 2 जने 3 जने 4 जने अपने अकॉर्डिंग जितने जने हो उस हिसाब से आप इससे खेत में खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा बताता हूँ कि किस टाइप से बनता है, कितना खर्चा आता है, इसमें कौन सा सिस्टम नया लगाना पड़ता है। ये देखिए इतना फास्ट चला रहा है ड्राइवर। तो दोस्तों, किसान भाइयों, ये हमारा जुगाड़। और जैसे कि आजकल इस जुगाड़ को बनाने का सभी किसान भाइयों में ट्रेंड चल रहा है इसको बनाने का, क्योंकि इससे जो खेती में लागत आती है वो थोड़ी कम होती है, जिससे कि जो किसान भाइयों का मुनाफा है वो थोड़ा बढ़ सके, उनकी अर्निंग थोड़ी बढ़ सके। तो दोस्तों, हमने भी अभी भी बनवाए और हम अभी इसे कल ही लेकर आए थे। तो मैं आपको बताता हूँ इसे किस टाइप से, जो किसी भी बाइक आजकल इसे सभी बाइक पर बनाने लगे हैं। पहले इसे 100 cc से ऊपर की बाइक पर बनाते थे, पर अभी 90 cc, 100 cc, 110 cc, 150 cc सभी पे इस टाइप का जो जुगाड़ है वो बनने लगा है अब। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पहले जो एक टायर होता था उसको हटा के, और ये देखिए इस टाइप से दोनों टायर साइडों पे दोनों टायर लगा दिए हैं। और उसके बाद अगर हम फर्स्ट या सेकंड गियर में इसको चलाते हैं तो इसमें RPM ज़्यादा होते हैं, तो इसको RPM कम करने के लिए देखिए एक सिस्टम लगा हुआ है। ये देखिए इसको लगा के और इसको कनेक्ट किया है पीछे, जिससे ये छोटी रिंग है इससे मतलब RPM थोड़ा कम हो जाता है। तो आप खेत की निराई गुड़ाई करेंगे तो उससे थोड़ा मतलब इसको स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो आप पीछे जो ये देखिए इसे चलाता है इसको हल्को, तो वो थोड़ा अच्छी तरीके से चला पाएगा, उसको जल्दी जल्दी नहीं चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये मतलब 2-3 हमारे पास, हम तो इसे कुल पे बोलते हैं, आपके पास हम क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए इस टाइप से हमने बनाए हुए हैं जिससे खेत को जो खरपतवार होता है खेत में उसे अच्छी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। ये देखिए एक साथ तीन चार चल जाते हैं। तो दोस्तों, आप इस जुगाड़ को खेत में खरपतवार नष्ट करने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हो, उसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी ये बहुत सारे खेती के काम में आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक स्टैंड बनाई हुई है, बहुत ही बड़ी स्टैंड है जो कि 3 से 4 फीट की है। तो आप इस पर अगर कोई गाय भैंस है, अगर आपके पास कोई, आप डेयरी फार्मिंग वगैरह छोटा मोटा कुछ करते हो तो उसके लिए आप उनके खिलाने के लिए चारा वगैरह रख के ला सकते हो, कहीं खाद वाद ले जाना हो 5-10 किलोमीटर अपने आसपास के खेत पे, तो आप उसे अच्छी तरीके से यहाँ रख के ले जा सकते हो आराम से 3। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसमें बनाने के लिए खर्चा कितना आता है। तो मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें बनाने में, हमने 2 क्वालिटी के लिए उसने बताया था कि 2 क्वालिटी बन जाएगी, तो हमने अच्छी क्वालिटी का बनाया है जिससे ऊपर स्टैंड मिलती है, स्टैंड के ऊपर हम खाद वगैरह लेके जा सकते हैं।
तो दोस्तों इसे बनाने में जो खर्चा है वो अप्रोक्स हमको लमसम 12 से 15 हज़ार का खर्चा आया था। तो आप भी अगर इसे बनवाना चाहते हो तो 15 हज़ार के अंदर, 15 से 17 हज़ार मान लो, 15 हज़ार के अंदर अंदर आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसके साथ में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत टिकाऊ है।